भारत की अर्थव्यवस्था को अप्रैल जून तिमाही में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इसकी वजह रही कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन। इस दौरान सब कुछ बंद हो गया, जिसके चलते अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इन सब की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होते होते नेगेटिव हो गई। जीडीपी में 40 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अच्छी खबर ग्रामीण भारत से आ रही है। इस साल कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर सकारात्मक ग्रोथ की संभावना दिखाई दे रही है। एनएसओ के आंकड़े के मुताबिक 2020-21 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3% रहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -50.3% रहा है, बिजली में -7% है, उद्योग में -38.1% है और सर्विस सेक्टर में -20.6% रहा। केवल कृषि क्षेत्र की ग्रोथ में 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खनन क्षेत्र में गिरावट -23.3%, ट्रेड और होटल में -47%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में -10.3% और फाइनेंस और रियल एस्टेट में -5.3% रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दूसरी तिमाही में भी ग्रोथ नेगेटिव ही रहेगी। हालांकि सरकार लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कर करके स्थिति को सुधारने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट INS TV।